मगरबी बंगाल में तीन मराहल के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। इंतखाबात के दौरान एक तरफ हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर फिरका वाराना माहौल को खराब करने का इल्जाम आयद कर रही है और दूसरी जानब बीजेपी ममता बनर्जी पर यह इल्जाम आयद कर रही है कि वो CAA और NRC की मुखालिफत करने वालों की हौसला अफजाई कर रही हैं। मगरबी बंगाल में हो रहे असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास तुम्बे ने ETV भारत को बताया कि पार्टी की जानिब से तमाम तर सेक्युलर पार्टियों व लीडरान को SDPI की जानिब से एक मकतूब रवाना किया गया है इस अपील के साथ कि सभी मुत्तहिद होकर ममता को सपोर्ट करें और फस्ताई ताकतों को हराएं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो जितने सेक्युलर पार्टियों को खत लिखा है, सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट करता है और सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया सारे सेक्युलर पार्टियों को हम भी हमारे तरफ से भी SDP की तरफ से खत लिखा गया है, उसमें ममता बनर्जी का जो खत को सपोर्ट करते हुए सब लोग भी एकजुट होने के लिए हमें भी रिक्वेस्ट किए हैं और इस देश में फैसिस्ट ताकतों को हराने के लिए और उनको ये सत्ते से हटाने के लिए हम सारे सेक्युलर पार्टी एक होने का बहुत बड़ा एक ज़रूरत है, क्योंकि जितने सेक्युलर पार्टी के जो सेक्युलर वोट है सारे सेक्युलर वोट भी फ्रैगमेंटेशन हो जाए, सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन होकर BJP को बहुत फ़ायदा हो रहा है। BJP को बहुत कम यानी 30% वोट में उन लोग जीत कर पूरे देश को हुक्म कर रहे हैं, बाकी के 60-70% वोट सेक्युलर पार्टियों के बीच में तकसीम हो रहा है। ये तकसीम को रोकने के लिए सारे एक प्लेटफॉर्म में आकर अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो डेफिनेटली BJP हारेगा, बिल्कुल नाम निशान नहीं रहेगा BJP का। तो हम लोग ये देखकर पूरा सेक्युलर पार्टियों को हम लोग खत लिखकर एक होने के लिए हम लोग भी दावत दिए हैं, हमें भी कोशिश कर रहे हैं। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।